वंडरफुल मॉर्निंग एवरीवन। एंड कल जो हमने यहाँ पर फॉरेक्स में कवर किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क था, बट उससे पहले एक सिर्फ कल लिखते वक्त एरर हो गया था मेरा, आप एक बार ध्यान दीजिए। ये जो आंसर मैं लिख रहा था, ये आंसर फॉरवर्ड रेट जो आता है वो $0.00907 आता है। सिर्फ लिखते वक्त एरर हो गया था हमारा, हमारा फाइनल आंसर जो निकाला वो करेक्ट ही निकाला हमने। सिर्फ ये लिखते वक्त हमने लिखा 0.09, जबकि ये है 0.00907। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये करेक्टेड फिगर लोगे तो आपका बराबर आंसर मैच हो जाएगा, 1.56% फॉरवर्ड प्रीमियम, करेक्ट। तो इतना सा सिर्फ एक करेक्शन, अगर आपने मेरे स्क्रीन की तरफ देखकर लिखा रहेगा तो उतना करेक्शन कर लीजिए, 0.00907, और यहाँ पर भी 0.0097 लेना है, 907 लेना है, और फिर आपका आंसर आएगा 1.6%। ठीक है, तो चलते आगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होमवर्क था। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज $ इज सेलिंग इन इंडिया एट 45.5, ये स्पॉट रेट हो गया। इफ द इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months बोरिंग इन इंडिया इज 8% पर एनम, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 6 month बोरिंग बोल दिया, इसका मतलब पीरियड आपको 6 month का लेना पड़ेगा। एंड द करस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए इज 2%, दैट मीन्स दोनों कंट्री का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब IRPT यूज करना पड़ेगा। डू यू एक्सपेक्ट $ टू बी एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट इन द इंडियन फॉरवर्ड मार्केट, पहला क्वेश्चन कि इंडियन फॉरवर्ड मार्केट में आपका $ प्रीमियम पर रहेगा या डिस्काउंट पर रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा, प्रीमियम या डिस्काउंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा है, प्रीमियम, वेरी गुड। क्योंकि IRPT के मुताबिक अगर कोई कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वहां से बोरो करते हैं और इसीलिए उस कंट्री के करेंसी का डिमांड बढ़ता है, करेक्ट। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रीमियम होगा। देन दूसरा बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड 6 months फॉरवर्ड रेट फॉर $ इन इंडिया, तो आपको फॉरवर्ड रेट पूछा है, यहां पर फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा जो कि आपके फॉर्मूले से निकल जाएगा। एंड तीसरा केस पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, कल जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट में कि परसेंटेज प्रीमियम डिस्काउंट का निकालना होता है, ईयरली होता है वो कभी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हम जानबूझकर मॉड्यूल पहले सॉल्व नहीं कर रहे स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का, और हम हमारे नोट सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज बिकॉज फॉरेक्स के लिए ना एक फ्लो ऑफ एक्टिविटी लगता है, एक टेक ऑफ लगता है, जो आपके मॉड्यूल में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैं पूरा नॉलेज आपको पहले रेगुलर नोट से दूंगा, फिर हम मॉड्यूल तो देख ही लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, एज पर IRPT इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, इफ इंटरेस्ट रेट इन अ कंट्री इज लोअर कॉमा इट्स करेंसी वुड अप्रिशिएट, इन द फॉरवर्ड मार्केट इट्स करेंसी वुड अप्रिशिएट इन द फॉरवर्ड मार्केट। तो अगर एक कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो उस कंट्री का करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगा फॉरवर्ड मार्केट में, ऐसा बोल रहे, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि भाई यूएस का रेट जो है वो कम है, तो हम बोलेंगे इन द गिवन क्वेश्चन द इंटरेस्ट रेट इज लोअर इन यूएसए दस $ इज एक्सपेक्टेड, USD इज एक्सपेक्टेड
अप्रिशिएट इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट इन द फॉरवर्ड मार्केट। दैट इज इट वुड बी एट अ प्रीमियम, इट वुड बी एट अ प्रीमियम इन द फॉरवर्ड मार्केट। इन द इंडियन फॉरवर्ड मार्केट लिख दो, इन द इंडियन फॉरवर्ड मार्केट, क्वेश्चन के वर्डिंग के हिसाब से भाई इंडियन फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट बात, वो आपका आईआरपीटी का फॉर्मूला यूज करना है और आपको फॉरवर्ड रेट का आंसर निकालना है। वन प्लस आरडी अपॉन वन प्लस आर एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आपका रेट जो है वो क्या है, आपका रेट जो है वो क्या है। हम तो यही अज्यूम करते हैं भाई, हम जो रेट दिया गया है वो हम डायरेक्ट कोड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एफ बाय एस, अल्फाबेटिकली पहले एफ आता है बाद में एस आता है, आई टोल्ड यू डायरेक्ट कोड रहेगा तो नॉर्मल लेने का, इनडायरेक्ट कोड रहेगा तो इनवर्स लेने का। तो इसके लिए मुझे कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोड मैं बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं नोट, होम कंट्री इज अज्यूम्ड टू बी, क्या लिखा दोस्तों बोलिए, होम कंट्री इज अज्यूम्ड टू बी, आपको जो रेट दिया है वो क्या दिया है, रुपीज 45.5 पर डॉलर। तो होम कंट्री में किसको मानू, यूएसए या इंडिया, इंडिया को मानना पड़ेगा, सही है इंडिया रहेगा, बिल्कुल सही है, मेरा होम कंट्री रहेगा इंडिया, बिकॉज मैं अभी इंडिया में हूं, मैं अभी इंडिया में हूं इसलिए, नहीं वो जो रेट दिया है वो मेरे लिए डायरेक्ट कोड बनना चाहिए। तो इंडिया का रेट मेरे लिए डोमेस्टिक रेट हो गया, यूएसए का रेट मेरे लिए फॉरेन रेट हो गया। तो यहां पर वन प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12 करना पड़ेगा, सॉरी ईयरली रेट है वो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, ईयरली रेट है वो डिवाइड बाय 12 इंटू 6 किया, ये आ गया डोमेस्टिक। वन प्लस फॉरेन का रेट 2% है, वो भी ईयरली है, उसको 6 मंथली बनाया क्योंकि ये सब 6 मंथली चल रहा था, और फॉरवर्ड का रेट हमें पता नहीं है बट स्पॉट का रेट है 45.50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फॉरवर्ड का आंसर मिल जाएगा, बोलिए आंसर क्या आएगा, वन प्लस जीरो, ये सीधा सीधा इसका देयर फोर वन प्लस 0.04 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.01 इज इक्वल टू एफ बाय एस हो जाएगा, और एस की जगह लेंगे 45.5, 1.04 इंटू 45.5 डिवाइडेड बाय 1.01 46.85 पर यूएस डॉलर, बिल्कुल सही आपका फॉरवर्ड का रेट आ गया है रुपीज 46.85 पर यूएस डॉलर, ये आपका आंसर आ गया। अब इन्होंने आपको एक और चीज पूछी, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब इन्होंने एक और चीज पूछी आपको और वो पूछा है कि परसेंटेज फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालो, ऑब्वियसली यहां पर तो प्रीमियम ही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम
ऑब्लिक डिस्काउंट बोलने की जरूरत ही नहीं, हमको दिख रहा है वो प्रीमियम पर है, हमने फर्स्ट पार्ट में ही बोल दिया वो प्रीमियम पर है। रेट एफ माइनस एस बाय एस इंटू 12 बाय m इंटू 100%, 100 ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। 46.85 माइनस 45.50 डिवाइडेड बाय 45.50 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। कितना आता है? 5.93%, बिल्कुल सही, 5.93% इज द करेक्ट आंसर। राइट, इजी था ये क्वेश्चन नंबर 8। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये भी आपका होमवर्क था। द करंट स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज इज 40.11 पर यूएस डॉलर, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इज 43.52 पर यूएस डॉलर, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज 8.5 इन इंडिया। इसका मतलब आईआरपीटी नहीं यूज करना है आपको, आपको पीपीपीटी यूज करना है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए? तो कैन वी से कि भाई ये कोर्ट के हिसाब से इंडिया शुड बी आवर कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री, होम कंट्री, एंड हमको दिया है स्पॉट रेट, हमको दिया है फॉरवर्ड रेट, हमको दिया है डोमेस्टिक कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, और हमको पूछ रहे हैं फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन रेट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस, पहले तो आप लिख दो फॉर्मूला, 1 प्लस आई डी अपॉन 1 प्लस आई एफ इज इक्वल टू एफ बाय एस, डायरेक्ट कोट, अज्यूम होम कंट्री इंडिया, क्योंकि इंडिया के एंगल से वो डायरेक्ट कोट है। 1 प्लस इंडिया का रेट है 0.085 इन्फ्लेशन, और कोई यहां पर 6 मंथली वगैरह कुछ बोला नहीं है, 3 मंथली वगैरह, तो कुछ इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस आईएफ निकालना है अपने को, फॉरवर्ड रेट दिया है 43.52, स्पॉट रेट दिया आपको 40.11, चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही। तो फिर इसको सॉल्व करके आपका आईएफ का आंसर आ जाएगा, फोर्टी पॉइंट वन वन इंटू 1.085 डिवाइड बाय 43.52। कितना आता है आंसर? ऑलमोस्ट 0% है, ऑलमोस्ट 0% है, आप देखोगे 0.00149, मतलब ऑलमोस्ट 0%, तो यहां पर 0% लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स, क्योंकि वैसे भी वो निगेटिव वैल्यू आ रही है, सही है ना? बराबर बोल रहा हूं ना मैं, निगेटिव वैल्यू आ रही है ना वो।
यस, तो अप्रोक्सीमेटली 0% आ रहा है इन्फ्लेशन रेट फॉरेन कंट्री में, अप्रोक्सीमेटली 0% आ रहा है, ठीक है, 0.00149 लिखा है या 15 लिखा तो भी चलेगा, बट ये अप्रोक्सीमेटली 0 माना जाता है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन में तो खैर इतना ही पूछा था, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते, समीर टेनिस रैकेट्स कॉस्ट UKP 100 इन द यूके एंड 150 इन द यूएस, द करंट एक्सचेंज रेट इज UKP, दैट इज यूके पाउंड, 1 इज इक्वल टू $1.5। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इफ द इन्फ्लेशन रेट व्हिच इज प्रेजेंटली 0% इन बोथ द कंट्रीज यूके एंड यूएसए इंक्रीजेस टू 10% इन द यूएसए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट बी और सी भी होमवर्क था क्या? ठीक है, हाँ राइट, याद है, ये आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था, एक मैंने समझाया था, दो तीन आपको करना था, सही है। तो पहले ये कर लेते, एक बार होमवर्क पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ मेनी पाउंड्स विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग यूरो 7000, क्या आंसर आया आपका सेकंड पार्ट का? बोलिए बी पार्ट का आंसर आपका कितना है? सिक्स जीरो एट थ्री पाउंड, 6083 पाउंड। यहां पर बाइंग सेलिंग रेट दोनों दिया है। हाउ मेनी पाउंड्स विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग पाउंड, सॉरी यूरोज 8000 बोल रही है लोग, 7000 यूरोज 7000 आप बेच रहे हो, 2 मिनट के लिए सोचते। कल वाला फ्लो, वैसी सेम फ्लो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, आपको जो रेट दिया गया वो पाउंड पर यूरो है, इसका मतलब यूरो रेट दिया गया, ये कस्टमर है, ये डीलर है, एक करेंसी हम देंगे, डीलर हमें दूसरा करेंसी देगा। यहां पर बोला गया है हाउ मेनी पाउंड्स विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग यूरो 7000, तो हम क्या कर रहे हैं, यूरोस दे रहे हैं और पाउंड ले रहे हैं। हाउ मेनी पाउंड्स विल बी रिसीव्ड बोला ना, सो हाउ मेनी पाउंड्स विल बी रिसीव्ड मतलब हम पाउंड्स ले रहे हैं और यूरो दे रहे हैं, और रेट क्या है दोस्तों, रेट है पर यूरो, मतलब यूरो को गोल करना पड़ेगा और यूरो पर फोकस करना पड़ेगा कि डीलर यूरो के साथ क्या कर रहा है, हम छोड़ दो डीलर क्या कर रहा है, तो डीलर जो है यूरो खरीद रहा है तो बाइंग रेट लगेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस डीलर इज बाइंग यूरो, वी विल यूज बाय रेट, और आपका रेट क्या दिया है, 0.8690। पाउंड पर यूरो, ये बाइंग रेट यूज करना पड़ेगा आपको, बाइंग रेट यूज करना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने आपको बोला है 7000 यूरोज, 7000 यूरोज बोला है और रेट दिया है पर यूरो, 7000 यूरोज बोला है और रेट दिया है पर यूरो, तो मैच हुआ कि डेंट मैच हुआ, मैच हुआ या डेंट मैच हुआ, तो ऑब्वियसली मैच हुआ,
और मैच हुआ तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे। अगर मैच हो गया है पर यूरो बोला है रेट और वहां पर यूरोस दिए 7,000, तो हम बोलेंगे मैच हुआ है मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही है। तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर 7,000 इंटू 0.8690 इज इक्वल टू, £6,083 इज द करेक्ट आंसर फॉर बी पार्ट। सी पार्ट के लिए देखते हैं अभी। वापस से पाउंड पर यूरो ही आपको रेट दिया हुआ है। कस्टमर है, डीलर है, हम एक करेंसी देंगे दूसरा करेंसी डीलर से लेंगे। यहां पर थर्ड पार्ट में आपको बोला है हाउ मेनी यूरोज विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग पाउंड 80,000, 80,000। सो हाउ मेनी यूरोज विल बी रिसीव्ड बोला ना, बाय सेलिंग पाउंड बोला है, तो हम पाउंड दे रहे हैं और यूरो ले रहे हैं। यूरो रेट था इसलिए यूरो को गोल करना पड़ेगा। डीलर यूरो दे रहा है, डीलर यूरो दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस डीलर इज, सेलिंग यूरो कॉमा वी विल यूज सेल रेट, और हमारा सेल रेट क्या है, पाउंड 0.8730 दिख रहा है क्या, 0.8730। पर यूरो। तो फिर आपके पास क्वेश्चन में जो दिया है वो है पाउंड 80,000 और रेट है पर यूरो। मैच हुआ डिंट मैच हुआ, डिंट मैच हुआ, डिंट मैच हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, डिंट मैच के लिए डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर 80,000 डिवाइड बाय 0.8730 एंड योर आंसर कम्स टू 91,638 यूरोस। हाउ मेनी यूरोस विल बी रिसीव्ड, यूरोस 91,638 विल बी रिसीव्ड, बिल्कुल सही है। तो ये था आपका बी और सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप आपको कंफर्टेबली ये सब समझ रहा है अच्छे से एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। समीर टेनिस रैकेट्स कॉस्ट UKP 100 इन द यूके एंड 150 इन द यूएसए। तो इससे आपको उसका यू कैन से रेट पता चला कि 100 UKP, यूके पाउंड इज इक्वल टू 150 US डॉलर, मतलब क्या हो गया, 1.5 US डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड, 1.5 US डॉलर इज इक्वल टू 1 UK पाउंड। द करंट एक्सचेंज रेट इज 1 UKP इज इक्वल टू डॉलर 1.5 यूएस डॉलर, देखो लिखा है इधर भी। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इफ द इन्फ्लेशन रेट विच इज प्रेजेंटली 0% इन बोथ द कंट्रीज यूके एंड यूएसए इंक्रीजेस टू 10% इन द यूएस। क्या लगता है आपको, यूएसए का इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया 10% हो गया जबकि अभी दोनों कंट्री का रेट ऑफ इन्फ्लेशन था 0.0%, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कम ऑन गाइस टेल मी, इससे क्या होगा, आपका फॉरवर्ड मार्केट में कुछ इंपैक्ट आएगा। यस, जिस कंट्री में आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाएंगे और उस कंट्री का करेंसी का डिमांड कम हो जाएगा। वो कंट्री का करेंसी जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा फॉरवर्ड मार्केट में। यस, उसका करेंसी डेप्रिशिएट होगा। बिल्कुल सही है। तो इस केस में यूएसए है, इसलिए डॉलर जो है यूएस डॉलर वो डेप्रिशिएट होना चालू हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर और प्रूव भी करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड रेट। अज्यूम होम कंट्री एज यूएसए। क्यों यूएसए? डॉलर 1.5 पर यूके पाउंड बोल दिया, इसका मतलब यूएसए के एंगल से वो डायरेक्ट कोट है। यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, ऊपर भी लिखा था क्या अपन ने, यहां पर भी लिख दो। ये जो था ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम है। और नीचे भी हम लिख रहे हैं यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, 1+ ID अपॉन 1+ IF इज इक्वल टू F/S डायरेक्ट कोट। सो 1+, अब इन अपने डोमेस्टिक कंट्री यूएसए उसका इन्फ्लेशन रेट 10% है, मतलब 0.1 हो गया, और यहाँ का इन्फ्लेशन रेट अभी भी 0% ही है। इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट पता नहीं बट स्पॉट रेट अभी का 1.5 US डॉलर है पर पाउंड। देयरफॉर फॉरवर्ड रेट ऑब्वियसली डॉलर 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.65 आएगा ऑल ऑफ यू पर पाउंड। तो आप देख सकते हो जो रेट आपका 1.5 था वो आपका 1.65 हो गया, इसका मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। यहां पर हम लिखेंगे सिंस इन्फ्लेशन रेट इज इंक्रीज्ड कॉमा अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम द यूएस डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट इन द फॉरवर्ड मार्केट। Hence, it will be at a discount in forward market. It will be at a discount in forward market. क्योंकि वो डिप्रिशिएट होगा तो वो डिस्काउंट पे होगा। डन गाइस। तो यहां पर फॉरवर्ड रेट निकालने बोला नहीं था बट ऑब्वियसली हमें वो ही करना पड़ेगा टू प्रूव कि 1.5 का रेट 1.65 हो रहा है, तो वो डिप्रिशिएट ही हो रहा है ना। राइट, अगला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाइनटीन्थ वन,
19th वन सॉल्व करते दोस्तों, बोलिए। कंसिडर द फॉलोइंग कोड्स जेपीवाई पर सीएचएफ। सीएचएफ क्या होता है? स्विस फ्रैंक होता है। सीएचएफ क्या होता है? स्विस फ्रैंक होता है। तो यहां पर दो रेट दिए, ऑब्वियसली दो में से एक जो कम वाला है वो बाइंग रेट है और जो ज्यादा वाला है वो सेलिंग रेट है। द स्विस फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू जापान एंड रिसीव जापानीज 2,40,000 ऑन कन्वर्जन, हाउ मच सीएचएफ इज रिसीव्ड। तो इसका उतना जैपनीज येन मिला है, कन्वर्जन के बाद उसको सीएचएफ कितना मिलेगा पूछ रहे। ट्राई करोगे? डू यू विश टू ट्राई? बोलिए आंसर क्या रहेगा, ट्राई कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस अब नए पैटर्न में एमसीक्यू में आएंगे और मेन आंसर का भी कोई एक पार्ट बन सकता है। CHF, स्विस फ्रैंक 3703 CHF। चलो चेक करते एक बार। आपको दिया है 63.70 और 64.8, बाइंग रेट सेलिंग रेट दोनों दिया हुआ है। आपको रिसीव हुआ है जापानीज येन, आप कन्वर्ट करने वाले हो CHF में, ठीक है। आपको रेट यहां पर CHF दिया, जेपीवाई पर CHF। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। जेपीवाई पर CHF इसका मतलब CHF रेट है, कस्टमर डीलर एक करेंसी हम देंगे, दूसरा डीलर हमको देखेगा देगा। हमें जेपीवाई मिला है तो हम डीलर को जेपीवाई देंगे और सीएचएफ लेंगे, जेपीवाई देंगे और सीएचएफ लेंगे। पर सीएचएफ था इसलिए सीएचएफ को गोल करेंगे हम लोग और देखेंगे डीलर क्या कर रहा है। तो डीलर सीएचएफ बेच रहा है, यस, सेल रेट अप्लाई होगा। यहां पर लिखेंगे सिंस डीलर इज selling CHF, we will use sorry we will use which rate? Buy rate, na? Sell rate, sorry, we will use sell rate, correct, we will use sell rate. So sell rate kya hai bhai? Sell rate kya hai? यहां पर सेल रेट दिया है 64.80।
जेपीवाई 64.80 पर सीएचएफ, ये रेट यूज होगा। अब आपको जेपीवाई कितना मिला है, 2,40,000। अब आप बोलो डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, जेपीवाई मिला है, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? डिवाइड, क्योंकि आपको मिला है जेपीवाई और रेट दिया है सीएचएफ का, तो डिवाइड होगा। तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 64.80। बिल्कुल सही, आपका आंसर 3703 पॉइंट, सिर्फ आगे लिखना पड़ेगा 70 CHF। Therefore, हाउ मेनी ऑन कन्वर्जन हाउ मेनी CHF इज रिसीव्ड, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ऑन कन्वर्जन वी विल रिसीव CHF 3703.70। यस, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपने ट्राई किया, आपको जमा, आपको बाय रेट सेल रेट सब कुछ समझ रहा है अच्छे से। पूरी दुनिया को जो फॉरेक्स में कंफ्यूजन होता है, आप एकदम क्लियर हो, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, और सेल रेट लेना है या बाय रेट लेना है, ठीक है। सिर्फ हमने अब प्रैक्टिस करना बाकी है, मेनली क्रॉस रेट्स का। क्रॉस रेट्स का प्रैक्टिस एक बार अगर हो गया तो आपका फॉरेक्स का बेस तो पूरा रेडी हो जाएगा, पूरा परफेक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा ये आपका बेस क्रिएट करने के लिए रहेगा। आज हम क्रॉस रेट वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं, एकदम डिटेल में देखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड यूएस डॉलर पर जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, और वो रेट्स दिए आपको, बाइंग रेट भी दिया है, सेलिंग रेट भी दिया है। ऐसा क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आता है जहां पे बाइंग रेट भी दिया है, सेलिंग रेट भी दिया है, ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। यूएस फर्म रिक्वायर्स डॉलर 4,50,000 इन द बिजनेस, इट डिसाइड्स टू बोरो इन जीबीपी, हाउ मेनी जीबीपी इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो। यूएस फर्म को रिक्वायरमेंट कितने का है, डॉलर 4,50,000 का है, उसको बोरो करना है जीबीपी में। वो आपको पूछ रहे कितने जीबीपी रिक्वायर्ड रहेंगे बोरो करने के लिए। यू वॉन्ट टू ट्राई, प्लीज ट्राई। फ्लो में एक बात याद रखिए, सिर्फ एक एक चीज याद रखिए बस, आई विल गिव यू वन हिंट। फ्लो में कस्टमर डीलर भी आएगा और कस्टमर के नीचे बैंक भी आएगा। कस्टमर बैंक से बोरो करेगा और फिर डीलर को देगा, ये सोचना पड़ेगा आपको बस। स्टार्ट,
321,000 32,16,321 GBP. ओके लेट्स सी क्या आंसर रहेगा. 18th क्वेश्चन. यहां पर सबसे पहले आई टोल्ड यू कि पहले रेट देख लो कौन सा दिया है. आपको रेट दिया हुआ है US डॉलर पर GBP. GBP रेट दिया हुआ है. कस्टमर डीलर हम एक करेंसी देंगे बट वो आएगा कहां से. हम लेंगे बैंक से. हम बैंक से क्या करेंगे बोरो करेंगे. क्या बोरो कर रहे हैं हम लोग बैंक से. GBP बोरो कर रहे हैं. और हम क्या करेंगे वो GBP जो आया है वो बैंक को देंगे डीलर को देंगे और डीलर से क्या लेंगे US डॉलर्स. डीलर से क्या लेंगे US डॉलर लेंगे. हमें US डॉलर चाहिए बट हमने बोरो किसमें किया है GBP में बोरो किया है. तो बोरो किया डीलर को दिया डीलर से US डॉलर लिया. तो अब रेट तो आपको GBP दिया है तो सर्कल GBP को करना पड़ेगा. डीलर GBP के साथ क्या कर रहा है. डीलर GBP ले रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स ले रहा है. तो हमें क्या बोलना पड़ेगा. अच्छा आंसर चेंज हो गया 326 321. ओके ठीक है देखते हैं. तो डॉलर डीलर क्या कर रहा है GBP ले रहा है तो कौन सा रेट लगेगा. बाय रेट लगेगा. तो यहां पर हम लिखेंगे ये फ्लो ड्रॉ करो हाँ हर जगह. द डीलर इज बाइंग GBP देयरफॉर वी विल यूज बाय रेट. तो हमारे लिए रेलेवेंट रेट क्या रहेगा. हमारे लिए रेलेवेंट जो रेट है वो रहेगा 1.37901 US डॉलर पर GBP. 1.37901 1.37901 US डॉलर US डॉलर पर GBP. ये रेट रहेगा अपने लिए रेलेवेंट रेट. नाउ आपको क्वेश्चन में डॉलर बोला है. कितना डॉलर बोला है 4,50,000 डॉलर बोला है. तो 4,50,000 डॉलर को आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे. 4,50,000 डॉलर है और ऊपर रेट दिया है GBP रेट. मैच हुआ कि डिंट मैच हुआ. डिंट मैच हुआ डिंट मैच हुआ तो डिवाइड कर दो. तो डिवाइड किया जाएगा 1.37901 के साथ. बिल्कुल सही है. 4,50,000 डिवाइड बाय 1.37901 तो आपका आंसर आएगा. GBP 3,23,21.06 3,26,321.06 GBP पर US डॉलर. सॉरी टोटल है वो. टोटल जीबीपी आपका ये. तो बैंक से कितना GBP बोरो करना पड़ेगा. 3,26,321.06 डीलर को देना पड़ेगा ताकि डीलर आपको देगा आपका रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ डॉलर्स. यहां पर कंक्लूजन लिखो देयरफॉर वी नीड टू बोरो. GBP 326,321.06 फ्रॉम बैंक. तो इतना अपने को बोरो करना पड़ेगा फिर बैंक के पास. देन आई होप ये फ्लो आपको समझ रहा है और आप धीरे 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 इससे परफेक्शन की तरफ जा रहे हो. ठीक है.
अल्टीमेटली ये सब मैटर करता है आपके फाइनल एग्जाम में कि आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, होमवर्क मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 20 को, 20 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस रेट्स पर जाते हैं अभी, थोड़ा सा क्रॉस रेट्स पर जाते हैं और देखते हैं क्रॉस रेट्स के बारे में। आपके पास कोई एक अच्छा क्वेश्चन देख रहा हूं मैं जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिले क्रॉस रेट के अंदर भी। यस, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 21 क्रॉस रेट के पहले क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लेते। अ पर्सन डिसाइड्स टू ट्रैवल टू लंदन, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ही वांट टू स्पेंड 8,000 पाउंड्स, यूरोस 14,000 एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर 12,000 रेस्पेक्टिवली। क्या बात है भाई, ऐसी जिंदगी चाहिए। ट्रैवल करना है लंदन, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। लंदन में खर्च करेगा पाउंड 8,000, यूरोप में खर्च करेगा यूरोस 14,000, ऑस्ट्रेलिया में खर्च करेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 12,000। गिवन द फॉलोइंग कोटेशन, जीबीपी पर यूएस डॉलर बाय रेट सेल रेट, यूएसडी पर यूरो बाय रेट सेल रेट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूएस डॉलर बाय रेट सेल रेट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर रिक्वायर्ड। तो उसके पास तो यूएस डॉलर है भाई, वो बोल रहा है ठीक है ये मुझे ये कंट्री में जाना है, इतना इतना खर्च करना है, आप बता दो मैं कितना यूएस डॉलर लू, आप बता दो मैं कितना यूएस डॉलर लू, ठीक है। तो कैन यू ट्राई थ्री ऑफ देम, आपको क्वांटम ऑफ यूएस डॉलर निकालना है दोस्त। स्टार्ट करो, ट्राई करो।
डन। कितना है आंसर? इन्हें जमा चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। पर्सन को लंदन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसे स्पेंड करना है पाउंड 8,000 यूरोस, 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 12,000, तीनों भी खर्च करना है उसे। और उसके पास तीन रेट्स दिए हैं। पर रेट, पहला रेट दिया है यूएस डॉलर, दूसरा रेट दिया है यूरो का, और तीसरा रेट दिया है वापस से यूएस डॉलर का। करेक्ट, बाय रेट, सेल रेट, बाय रेट, सेल रेट, सब जगह दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर रिक्वायर्ड, बोला अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर रिक्वायर्ड। तो कैन वी से इसका मतलब हर फ्लो में भाई कस्टमर तो डीलर को यूएस डॉलर ही देगा, कस्टमर तो डीलर को यूएस डॉलर ही देगा। अंडरस्टैंड द फैक्ट, क्योंकि वो बोल रहे कितना यूएस डॉलर लगेगा बता दो, ताकि हम हर कंट्री में यूएस डॉलर देंगे और जो रिक्वायर्ड करेंसी है वो लेंगे। एज सिंपल एज दिस। तो फिर ऐसे केस में क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले कस्टमर डीलर, हम तो भाई यूएस डॉलर ही देंगे हर जगह, ठीक है। अब इसी को 3 बार यूज करना है, ना फर्स्ट प्लेस हम क्या करने वाले, पाउंड लेने वाले, सेकंड प्लेस हम क्या करने वाले, यूरो लेने वाले, और थर्ड प्लेस हम क्या करने वाले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेने वाले। सिंपल, ठीक है। फर्स्ट केस में रेट कौन सा दिया हुआ है? फर्स्ट केस में रेट दिया हुआ है जीबीपी पर यूएस डॉलर। जीबीपी इज पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो हम बोलेंगे पाउंड पर यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर का रेट दिया हुआ है, करेक्ट। सेकेंड केस में कौन सा रेट दिया हुआ है? यूएस डॉलर पर यूरो, तो यहां पर यूएस डॉलर पर यूरो का रेट दिया हुआ है। और थर्ड केस में कौन सा रेट दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूएस डॉलर, तो हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूएस डॉलर, ये रेट दिया हुआ है, करेक्ट। तो अब देखना है कि अगर ये डॉलर का रेट है तो डॉलर को गोल करेंगे, ये अगर पाउंड यूरो का रेट है तो अपन यूरो को गोल करने वाले, और अगर ये डॉलर यूएस डॉलर है तो यूएस डॉलर को गोल करेंगे। अब बस जिसको गोल किया उसकी हद तक डीलर क्या कर रहा है वो देख रहा है। तो फर्स्ट केस में डीलर बाय कर रहा है, देयरफॉर अपन बोलेंगे सिंस डीलर इज बाइंग यूएस डॉलर, वी यूज बाय रेट, करेक्ट। सेकेंड केस में पाउंड की, यूरो की हद तक, यूरो की हद तक, जीबीपी की हद तक, यूरो है, जीबीपी है, यूरो है, यूरो की हद तक, पर यूरो है ना, तो यूरो की हद तक डीलर यूरो दे रहा है, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर सिंस डीलर इज सेलिंग यूरो, वी यूज सेल रेट। किस पर फोकस कर रहे हैं सर? कभी यूएसडी पे कर रहे हो, कभी यूरो पर कर रहे हो, अरे जो रेट दिया है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो रेट दिया है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट सिनेरियो में और यूएस डॉलर के तक डीलर डॉलर ले रहा है, तो इसलिए बोलेंगे बाइंग, बाइंग रेट यूज होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस डीलर इज बाइंग यूएस डॉलर, वी यूज बाय रेट। ये तीनों जगह का पार्ट आ गया, आंसर आ गया अच्छे से। अब
यहां पर कितना अमाउंट है देख लो, डिवाइड मल्टीप्लाई डिसाइड करना है, वहां पर नीचे कितना अमाउंट है देख लो, डिवाइड मल्टीप्लाई डिसाइड करना है, नीचे कितना अमाउंट है देख लो, डिवाइड मल्टीप्लाई डिसाइड करना है। तो यहां पर लिखा है फर्स्ट केस में 8,000 पाउंड्स, तो 8,000 पाउंड्स अगर है तो 8,000 पाउंड्स है, जबकि रेट दिया है यूएस डॉलर का, रेट दिया है यूएस डॉलर का देख लो, रेट यूएस डॉलर का दिया है जबकि ये 8,000 पाउंड है, तो डेंट मैच है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डेंट मैच है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अपन डिवाइड करेंगे और आपका बाइंग रेट से डिवाइड करेंगे, किस रेट से, बाय रेट से डिवाइड करेंगे, तो बाय का रेट कितना है आपका, 0.8120, 0.8120। यहां पर एक मिसप्रिंट है दोस्तों, ये 0.8210 है वहां, ये कट करो, 8210 है वो, 0.8210, ठीक है। तो बाइंग रेट आपका अच्छा हो गया, लकीली 0.8120 यूज करना है अपने को, तो यहां पर अपन बोलेंगे डिवाइड बाय 0.8120, एट थाउजेंड डिवाइड बाय 0.8120 यूएस डॉलर, नाइन एट फाइव टू पॉइंट टू टू, 9852.22, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम जबरदस्त उमदा जवाब। अब देखिए अगला अगला पार्ट, आपको नेक्स्ट कंट्री में यूरो 14,000 चाहिए, यूरो 14,000, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 14,000 यूरो, और रेट जो है वो यूरो रेट है, रेट जो है वो यूरो रेट है दोस्तों, और आपको 14,000 यूरो चाहिए, मैच हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कौन से रेट से, सेल रेट से, यहां का सेल रेट कौन सा है, यहां का सेल रेट कौन सा है, यहां का सेल रेट है सर ये वाला 10710, 1.0710, सॉरी 1.0710, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.0710 तो आएगा यूएस डॉलर 14,000 इंटू 1.0710, 14,994, वेरी गुड, सही है, 14,994 ये आपका आंसर आता है। और थर्ड सिनेरियो में आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू रिक्वायर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 12,000, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 12,000, तो यहां पर अपन लिखेंगे 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और रेट जो है वो तो यूएसडी रेट है, वो तो यूएसडी रेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिंट मैच हुआ तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस रेट से डिवाइड करेंगे दोस्तों, बाय रेट से डिवाइड करेंगे, बाय रेट कितना है आपका, यहां पर आपका बाय रेट कितना है, तो यहां का बाय रेट है आपका, जैसे इधर बाय रेट यूज हुआ था वैसे इधर भी नीचे बाय रेट ही यूज होगा, 0.8850, 0.8850, कभी भी बाय रेट सेल रेट के वक्त थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, बाइंग रेट कम होना चाहिए सेलिंग रेट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 12,000 डिवाइड बाय 0.8850 एंड दिस कम्स टू 13,000 यूएस डॉलर, 13,559.32, यस, देयरफॉर टोटल यूएस डॉलर इज इक्वल टू 13,559.32 प्लस 14,994 प्लस 9852.22, योर आंसर कम्स टू 38,405.54, 38,405.54 यूएस डॉलर, इतना यूएस डॉलर टोटली आपको लगने वाला है। और एक बार आपका ऊपर का आंसर चेक कर लो क्या बात है, जबरदस्त, पूरा आंसर करेक्ट आया आपका,
एक नंबर। अरे तो टोटल US डॉलर जो लगेगा वो ये रहेगा। चलिए आई थिंक हम लोग इसका मतलब अब तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करना है, बाय रेट सेल रेट क्या करना है, सब के बारे में। थोड़ा सा क्रॉस रेट पर भाई बहुत फोकस करेंगे और क्रॉस रेट को भी समझ लेंगे ताकि हम थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन पे जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करेंगे अभी। ट्वेंटी टू ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई कर रहे हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन एंड डिराइव द क्रॉस रेट। रुपी पर पाउंड एंड रुपी पर यूएसडी। रिक्वायर्ड डॉलर पर पाउंड चाहिए अपने को। रिक्वायर्ड चाहिए डॉलर पर पाउंड। क्या करना है बोलो। क्रॉस रेट का फंडा मैंने आपको समझाया था। क्या करोगे। रुपी पर पाउंड एंड रुपी पर यूएसडी दिया हुआ है और आपको चाहिए डॉलर पर पाउंड, मतलब रुपी कॉमन करेंसी है। फ्लो बताओ मुझे जल्दी जल्दी फिर हम बाकी लोग कमान फटाफट फटाफट मुझे फ्लो बताओ क्या करना चाहिए। इनवर्स ऑफ रुपी टू यूएसडी, ओके, और रुपी पर रुपी टू पाउंड कर देने का है तो बाय डिफॉल्ट यूएसडी टू पाउंड आ जाएगा। बिल्कुल सही है। सी देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सोचना कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन में बोला है डॉलर पर पाउंड चाहिए तो आप सबसे पहले सोचना चाहिए न्यूमरेटर में डॉलर कब आएगा। न्यूमरेटर में डॉलर तब आएगा जब आप रुपी टू डॉलर को डॉलर टू रुपी लिख दोगे, डॉलर टू रुपी लिख दोगे तो बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर में डॉलर आ गया। और इन टू, अब रुपी को कैंसिल करना है तो रुपी न्यूमरेटर में आना चाहिए और ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में पाउंड आना चाहिए। वैसे भी अगला रेट वैसे ही दिया है रुपी टू पाउंड, अगला रेट वैसे ही दिया है रुपी टू पाउंड वाला। फर्स्ट रेट जो है आप बस इनवर्स करके ले रहे हो, फर्स्ट रेट जो है आप इनवर्स करके ले रहे हो, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट रेट को इनवर्स करके ले लेते हैं। वन डिवाइडेड बाय जो रेट दिया है वो क्या है, 47.1। तो 1/47.1 हो जाएगा वो और इनटू हो जाएगा और फिर नॉर्मल रेट आएगा। रुपी टू पाउंड का रेट जो है वो नॉर्मल रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रुपी टू पाउंड इज गिवन 73.38, तो इनटू करेंगे 73.38। सर ऐसा इसको क्यों नहीं किया सर वन बाय, क्योंकि जो रेट जैसे हमें चाहिए वैसे ही दिया है क्वेश्चन में, रुपी टू पाउंड वैसे ही चाहिए था वैसे ही दिया है क्वेश्चन में, तो फिर उसको कुछ इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है। बट आपको डॉलर टू रुपी चाहिए था तो क्वेश्चन में रुपी टू डॉलर था, आपने उसे इन्वर्स किया। क्योंकि सिंगल रेट है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इन्वर्स भी कर रहे हो तो बिंदास रहो और आगे बढ़ो। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, डॉलर टू पाउंड का आंसर 73.38/47.1 1.558 डॉलर पर पाउंड, 1.558 डॉलर पर पाउंड। 5-6 भी ले सकते हो आप, बट दो तीन डेसिमल लिया तो और अच्छा है। तो 1.558 पर पाउंड ये आपका आंसर आ जाता है फॉर क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर भी कोई टेंशन नहीं था दोस्तों, क्रॉस रेट का चलो एक रिहर्सल था। अब असली मजा आएगा इसके आगे, क्योंकि यहां पर तो बाय रेट सेल रेट दिया नहीं था, बट यहां पर आगे के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे इसमें बाइंग रेट सेलिंग रेट सब दिया है, क्रॉस रेट से करना है तो क्या होता है उस केस में देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी थर्ड तो वैसे सादा है, 23rd में भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर भी आपको क्रॉस रेट डिराइव करना है रूपी टू ये वाला, तो एक काम करो इसे होमवर्क ले लो।
ताकि एक 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 पार्ट आपका भी घर पे सॉल्व हो जाएगा, और होमवर्क क्लास के तुरंत बाद नहीं करने का, हो सके तो शाम में करने का, गैप के बाद करने का, ताकि कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे कि नहीं वो भी चेक होता है। ये है देखो, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, 24th वन, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में डिटरमाइन डॉलर टू पाउंड रेट बोला है, और वो भी बिड के लिए और आस्क के लिए बोला है रेट, मतलब बाइंग एंड सेलिंग रेट दोनों बोला है, ठीक है। डिटरमाइन डॉलर टू पाउंड बोल दिया, तो फॉर वन यूनिट ऑफ पाउंड बोलने की जरूरत नहीं थी, हमको समझता है, हमको तो समझता है भाई, फॉर वन यूनिट ऑफ पाउंड ही बोल रहे हो आप, क्योंकि आप डॉलर टू पाउंड का रेट मांग रहे हो हमसे। नाउ रुपी टू डॉलर रेट दिया हुआ है, रुपी टू पाउंड रेट दिया हुआ है, बट इस बार बाय सेल दोनों दिया हुआ है, अब क्या करें हम, कैसे जिए हम। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई चीज मैकेनिकल अगर आप समझोगे तो टेम्परली याद रहेगा, परमानेंट समझना होगा तो कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्चुअली समझिए अच्छे से। यहां पर जब आप क्रॉस रेट लगाते हो, जब जब आप बोलते हो कि चलो आपको यहां पर बिड रेट निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बिड रेट अगर निकालना है तो आप जनरली अगर इनवर्स नहीं कर रहे हो तो बिड 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 रेट लेते जाओगे। अगर बिड रेट निकालना है आपको, लेट से डॉलर टू पाउंड का, तो आप बोलोगे यहां पर भी बिड रेट, यहां पर भी बिड रेट, यहां पर भी बिड रेट, जितने भी आप क्रॉस रेट में रेट ले रहे हो, बट एक कंडीशन है, इनवर्स नहीं यूज कर रहे आप। अगर इनवर्स यूज कर रहे हो तो आपको ऑफर रेट यूज करना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 1 बाय ऑफर रेट करोगे तो आंसर छोटा आएगा, दैट मींस वो बाय रेट बन गया। जब जब आप इनवर्स करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर विल गिव यू छोटा आंसर। आर यू क्लियर एवरीवन? जब जब आप इनवर्स कर रहे हो, 1 डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सेल रेट बड़ा नंबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर करोगे तो आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा, इसका मतलब वो बाय रेट आया है। समझे क्या आप? जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर क्रॉस रेट निकाल रहे हो तब, ठीक है। एक काम करना, अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं आप सॉल्व मत करना, ध्यान देना पहले, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से तो आपके हाथ में बारी रहेगी, स्टेरिंग पूरा आपके हाथ में रहेगा, तब तक के लिए सिर्फ सीख रहे हो, इसलिए अच्छे से ध्यान देकर सीखो, ठीक है। मुझे चाहिए डॉलर टू पाउंड का रेट, ठीक है, पहले निकालेंगे बाय रेट, फिर आस्क रेट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 24, मुझे निकालना है डॉलर टू पाउंड रेट, और मैं पहले बिड रेट निकाल रहा हूं, मतलब बाय रेट निकाल रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है यार, डॉलर टू पाउंड का रेट निकालना है तो आपके न्यूमरेटर में आना चाहिए डॉलर, और डिनोमिनेटर में आना चाहिए आपका दूसरा करेंसी, कौन सा दिया, रुपीज दिया गया, यस रुपीज दिया है, तो डॉलर टू रुपीज इनटू रुपीज टू पाउंड करना है अपने को, लिखो मतलब। अब दिक्कत क्या है, कौन सा रेट लेंगे आप, वो दिक्कत है, यहां पर कौन सा रेट लेना है और यहां पर कौन सा रेट लेना है वो दिक्कत है, ठीक है। नॉर्मली जब तक मैं इन्वर्स नहीं कर रहा हूं तब तक बिड बिड आना चाहिए, अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूं तो उस चीज को ऑफर रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर रेट बड़ा रेट होता है, तो उसको 1 डिवाइड बाय करेंगे तो छोटा आंसर आएगा, मतलब बिड वाला आएगा, यस दैट इज द लॉजिक। तो आप देखिए, डॉलर टू रुपी दिया है क्या आपको पहले? नहीं, रुपीज टू डॉलर दिया, मतलब इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, इन्वर्स करना है तो 47.5 लू या 47.62 लू, इन्वर्स करना है तो 47.5 लिया जाएगा या 47.62 लिया जाएगा, फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू, वेरी गुड। एक काम करो, कैलसी लो, 1 डिवाइड बाय 47.5 इज इक्वल टू, ये कहीं रफ में लिख लो, मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूँ 0.02 10 11 ले लेते हैं, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय 47.62, इसका आंसर देखिए 0.02099, मतलब वो 21 ले सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है,
ये वन वन बड़ा नंबर हो गया, ये ज्यादा नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा आ गया, तो ये बन गया बिड और ये बन गया ऑफर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो छोटा नंबर था वो बड़ा बन गया, जो बड़ा नंबर था वो छोटा बन गया, बिकॉज आप इन्वर्स कर रहे हो। तो फिर इस लॉजिक से यहां पर आपने जैसे बोला वैसे 1/47.62 करना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट रेट आपको रुपी टू पाउंड ही चाहिए, और यहां पर रुपी टू पाउंड ही है। आप 75.50 लोगे या 75.60 लोगे? अगला रेट क्या लोगे, 75.50 या 75.60? 75.50 बिल्कुल सही है, बिड रेट ही लिया जा रहा है। क्यों सर? अभी तो ऑफर रेट लिया था अपन ने, अपन उसको इन्वर्स कर रहे थे बेटा, इसलिए ऑफर लिया था। अब यहां पर सेकंड केस में आप उसे इन्वर्स नहीं कर रहे हो, जैसे दिया है फ्लो वैसे ही रख रहे हो, तो बिड लो ना फिर। तो इसलिए 1/47.62 × 75.5, तो यहां पर हम बोलेंगे ऑफर रेट और यहां पर अपन बोलेंगे बिड रेट, ये यूज होगा आपका। अब डॉलर टू पाउंड बिड रेट इज इक्वल टू 1/47.62 × 75.50, चेक कर लो एक बार। यस, तो आपका आंसर कितना था इसका, लिख भी लो साथ साथ में अभी। डॉलर टू पाउंड बिड रेट कम्स टू, वन पॉइंट कितना है, डॉलर 1.585 पर पाउंड। एग्जाम में इसका भी एक क्रॉस चेक है, जब आप फाइनल आंसर निकाल लोगे वो करेक्ट है या नहीं उसके लिए भी एक क्रॉस चेक दे रहा हूं मैं आपको, एंड में याद दिलाना मुझे। आ गया ये आंसर? नाउ आप ट्राई करोगे ऑफर रेट, कॉन्फ्रेंस राइट। कितना है? 1.5916 पर पाउंड। चलो चेक करते हैं। तो यहां पर ऑफर रेट निकालना था, बट यहां पर यूएस डॉलर टू रुपीज नहीं दिया, रुपीज टू यूएस डॉलर दिया, इसलिए मैं ऑफर रेट नहीं लेते हुए यहां पर बिड रेट लूंगा। सेकेंड फ्लो मेरा नॉर्मल था इसलिए मैं यहां पर ऑफर रेट लूंगा। तो मेरा इस बार जो फ्लो रहेगा
ये ऐसा रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 47.5 इंटू 75.6। तो आप निकाल रहे हो ऑफर रेट, इसलिए ऑफर रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 47.5 इंटू 76.75.6। तो 75.6 डिवाइड बाय 47.5, ये आ गया आपका ऑफर रेट। $1.5916 पर पाउंड। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं तब तब हम बिड को ऑफर, ऑफर को बिड यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे नोट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओफू बोलते हैं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। नोट, वेन एवर वी यूज इनवर्स रेट, बिड बिकम्स ऑफर, एंड ऑफर बिकम्स बिड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी डन है। इसी लाइन बेसिस पर अच्छा, क्रॉस चेक मैंने बोला था याद दिलाना, मुझे याद दिलाना, तुमने याद नहीं दिलाया है, याद दिलाना बोला था मैंने आपको। तो क्रॉस चेक क्या है, क्रॉस चेक बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बिड रेट था, ये ऑफर रेट है जो आप फाइनली निकाल रहे हो। तो कभी भी जो फाइनल रेट निकाला था बिड वाला वो कम होना चाहिए, और कभी भी ये जो है ये ज्यादा होना चाहिए, ये बिड रेट है, ये कम होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। ये देखो 1.585 है, ये कम है पर पाउंड, और ये जो है 1.5916 है, तो ये ज्यादा है पर पाउंड। तो डीलर कभी भी कम में खरीदेगा बिड रेट और ज्यादा में बेचेगा ऑफर रेट। यस, दिस इज योर क्रॉस चेक। तो यहां पर और एक चीज लिख दो नोट में, क्रॉस चेक फॉर अबव आंसर कैन बी, क्रॉस चेक फॉर अबव आंसर इज बिड रेट लेस देन ऑफर रेट, बिड रेट लेस देन ऑफर रेट। तो दो नोट मैंने आपको लिखा है, क्रॉस चेक फॉर अबव आंसर इज बिड रेट शुड बी लेस देन ऑफर रेट, राइट। चलिए बढ़िया है, तो यहां तक का पार्ट भी समझ गया आपको एकदम अच्छे से। अब इसके बाद सिमिलर लाइन बेसिस पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आप ट्राई कर सकते हो एज होमवर्क। आपको लगेगा दो तीन होमवर्क, बट दो दो तीन चार मिनट का होमवर्क है, हार्डली 15-20 मिनट का पूरा होमवर्क रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है ताकि आपका परफेक्शन बढ़े, बना रहे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसलिए ये 25th क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। नाउ लेट अस गो टू अ यूनिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ओके, वो यूनिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको पसंद आएगा। ठीक है, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है जरा अच्छे से पढ़िए।
ऑन 27 दिसंबर 2023। थोड़ा अभी जैसे अभी ये छोटे छोटे बेस बनाने वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, तो ऑब्वियसली उन्हीं बेस को यूज कर मेन क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम कैटेगरी यू कैन कॉल इट, बट डरने की जरूरत नहीं है, वही कंसेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना होता है। ऑन 27 दिसंबर 2023 अ कस्टमर रिक्वेस्टेड अ बैंक टू रेमिट डीजी, डच ग्लीडर बोलते हैं उसे, डीजी 2,50,000 टू हॉलैंड इन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ डायमंड्स अंडर एन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सामने वाले ने इम्पोर्ट किया डायमंड्स और बदले में बैंक को बोल दिया चलो अभी डच ग्लीडर 2,50,000 दे दो, ठीक है, हॉलैंड को पेमेंट करना था। कौन से डेट को बोला है बैंक को? 27 दिसंबर 2023 में बोला है। हाउएवर ड्यू टू बैंक स्ट्राइक द बैंक कुड नॉट इफेक्ट द रेमिटेंस एंड कुड इफेक्ट द रेमिटेंस ओनली ऑन 3rd January 2024, अगले साल डायरेक्टली, है ना, मतलब 7 दिन बाद। तो 7 दिन बाद यह हुआ क्योंकि 27 दिसंबर को होना चाहिए था बट स्ट्राइक आ गया बैंक का और वो हो गया 3rd January को, ठीक है। इंटरबैंक मार्केट ऑफ रेट्स वेर एज फॉलोस, इंटरबैंक मतलब बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, ध्यान से सुनो इंटरबैंक का लॉजिक क्या होता है। जैसे अपने पास भी रियल लाइफ में दो मार्केट्स होते हैं, एक होलसेल मार्केट और एक रिटेल मार्केट, वैसे ही सेम यहां पर भी इंटरबैंक मार्केट मतलब होलसेल मार्केट हो गया, बैंक टू बैंक बल्क वॉल्यूम ट्रेड होता है वगैरह, तो इसको बोलते हैं इंटरबैंक, और बाकी नॉर्मल होता है रिटेल वाला जो पब्लिक को लगता है रेट। ये इंटरबैंक रेट्स दिए आपको, और इसलिए तो लाइबोर नाम की भी एक चीज होती है ना, लाइबोर इज लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, माइबोर भी एक चीज होती है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो लाइबोर रेट, माइबोर रेट, ये बहुत बार सुनोगे आप रियल लाइफ में, तो ये और कुछ नहीं, लंडन में इंटरबैंक बैंक टू बैंक जो बिड रेट ऑफर रेट होता है उसे बोलते हैं लाइबोर रेट, मुंबई में जो बैंक टू बैंक रेट रहेगा बैंक के बीच में बाय रेट सेल रेट रहेगा उसे बोलते हैं माइबोर रेट, ओके। तो वैसे यहां पर आपको इंटरबैंक रेट दिया है, 27 दिसंबर को इंटरबैंक रेट बॉम्बे लंडन डीजी पर पाउंड बोला है, ठीक है, बॉम्बे लंडन एंड डीजी पर पाउंड तीन रेट दिया आपको। बट बॉम्बे का रेट थोड़ा वियर्ड लग रहा है, देखो एक बार बॉम्बे का रेट बोल रहा है डॉलर टू रुपी 3.10, मतलब 3.15 डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी। भाई ये तो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले के जैसे दिन लग रहे हैं जहां पे $1 वॉज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 रुपी। तो यहां पर ये रेट में गड़बड़ है, ऐसा रेट देखने के बाद ऑब्वियसली आपको बाकी करेंसीज में तो कुछ नहीं समझेगा बट यूएस डॉलर टू रुपी में समझ सकता है कि भाई ये रेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़े। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अज्यूम करना पड़ेगा डॉलर 3.15 पर 100 रुपीज, डॉलर 3.10 पर 100 रुपीज, ये अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे समझेगा सर, ये रेट्स की जानकारी रहनी चाहिए उसके लिए, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आपको इतनी कंट्रीज की इतनी करेंसीज याद रखना या प्रैक्टिकली सोचना, ये तो मैंने बोला आपको, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता रहेगा, अगर कोई गलत रेट दिया रहेगा तो मुझे भी नहीं पता चलेगा अगर वो दूसरी करेंसी का कोई रहेगा तो। नॉर्मल करेंसीज लाइक दिरहम या थाई बात या यूएस डॉलर ऐसे रहेंगे तो अपने को भी पता चलता है क्या रेट होता है। जनरली दिरहम का रेट 20-22 रुपीज पर यूएस पर, मतलब दिरहम होता है रुपीज के केस में, रुपीज 20-22 पर दिरहम, ये जनरली होता है। डॉलर के केस में भाई 80-83 चला गया है अभी, तो ये बहुत पुराने रेट्स यूज करते हैं ये लोग। और जो आपका यू कैन से थाई बात वगैरह है उसमें अपनी करेंसी ज्यादा भारी है उनसे, नेपाल में भी अपनी करेंसी उनसे ज्यादा भारी है नेपालियन रुपये से, राइट। ये जनरल रेट अपने को थोड़े बहुत आइडिया देते हैं बट बाकी रेट तो अपने को कोई संबंध नहीं है। सपोज एक आधा डॉलर टू पाउंड का रेट दिया है तो वो इतना इजीली नहीं समझते अपने, बट अपने इस केस में अपने को समझ जा रहा है। नाउ दे आर टेलिंग यू बैंक विशेस टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125%, बैंक विशेस टू रिटेन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125%, मतलब क्रॉस रेट में जो भी रेट डिसाइड होगा उसमें इतना परसेंट आपको ऐड करना पड़ेगा एज बैंक मार्जिन, एज बैंक मार्जिन, ठीक है, क्योंकि ये जो भी रेट दिए ये तो इंटरबैंक रेट है, तो ये होलसेल मार्केट है, आप तो कस्टमर हो तो आप रिटेल मार्केट के हो तो आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लगाएंगे ये लोग 0.125%। सो ये बोल रहे हैं हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज ड्यू टू दिस डिले,
तो देखो दोस्तों, दो चीजें हो सकती है, या तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है, लॉस हो जाएगा वो, या तो आपको कम पैसा लग सकता है, गेन हो जाएगा वो। बट अल्टीमेटली गेन हो या लॉस हो, सब तेरा, बैंक का कोई लेना देना नहीं, वो स्ट्राइक में खुश है। ठीक है, तो अगर स्ट्राइक की वजह से कम पैसा देना पड़ा, आपका गेन, ज्यादा देना पड़ा, आपका लॉस। पहले एक बात बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन का सिनेरियो समझा क्या। ग्रेट, 27 दिसंबर को आप चाहते थे होना चाहिए, बट वो हो रहा है 3 जनवरी को। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पोजीशन ऑन 27 दिसंबर निकालते, पोजीशन ऑन 3 जनवरी देखते, दोनों का डिफरेंस देखते और उसको क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट निकालेंगे 27 दिसंबर का, रेट निकालेंगे जनवरी में जो भी तारीख है, 3-4 तारीख उसका, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस इन रेट देखेंगे, और फिर आपका क्वांटम से मल्टीप्लाई कर कर आपको समझ जाएगा, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई कर कर समझ जाएगा आपको कि आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहले पोजीशन ऑन 27 दिसंबर 2023, यहां पर हम बोलेंगे नोट, रेट इन बॉम्बे, मुंबई का पहले वाला नाम, $2, इज अज्यूम्ड एज $100, इज अज्यूम्ड एज, इज इंटरप्रिटेड एज $100। इनफैक्ट ये नोट पहले लिख दो, पोजिशन बाद में देखते हैं, क्योंकि ये नोट जो है वो तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पोजिशन ऑन 3 जनवरी के लिए भी और 27 दिसंबर के लिए भी। रेट इन बॉम्बे $100, अज्यूम टू बी $100 बिकॉज वो अबनॉर्मल रेट है। पोजिशन ऑन 27 दिसंबर 2023, अब आपको सबसे पहले जो रेट्स दिए हैं उसके मुताबिक देखना होगा कि करना क्या है आपको। ठीक है, तो कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर ने बोला भाई रेमिट करना है डीजी, रेमिट करना है डच ग्लीडर 250, 2,50,000। ठीक है, तो कस्टमर को चाहिए था रुपी टू डीजी का रेट, कस्टमर को चाहिए था रुपी टू डीजी का रेट, तो आप इन रेट से रुपीज टू डीजी का रेट निकाल सकते हो क्या, डॉलर टू रुपी, डॉलर टू पाउंड एंड डीजी टू पाउंड। यस, इस केस में ऊपर के केस में डॉलर कॉमन हो गया और नीचे के केस में पाउंड जो है वो कॉमन हो गया, तो बाय डिफॉल्ट रुपी टू डीजी का रेट आ सकता है। ऊपर के केस में डॉलर कॉमन है बॉम्बे और लंदन में, लंदन में और नीचे के रेट में पाउंड कॉमन है, तो फिर बाय डिफॉल्ट ऊपर रुपी बचा और नीचे वाले केस में डीजी बचा, जो कि अपने को चाहिए। तो अपन बोलेंगे रुपी पर डीजी, वी वॉन्ट, ऐसा लिखो, वी वॉन्ट रुपी पर डीजी रेट, वी वॉन्ट रुपी पर डीजी रेट। अब उस केस में कौन सा रेट चाहिए वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, वो तो मुझे फ्लो देखकर ही समझेगा। मैं कस्टमर, ये डीलर, मुझे इसको एक करेंसी देना है, इससे एक करेंसी लेना है, करेक्ट। मैं बोल रहा हूं रेमिट करो डीजी 2,50,000, इसका मतलब डीलर मुझे 250 डीजी देगा, 2,50,000 डीजी देगा, मेरे रेमिट करना मतलब पे करना है ना,
तो डीलर मुझे पे करेगा डज ग्लीडर 2,50,000 और मैं उसे पे करूंगा रुपीज, मैं उसे पे करूंगा रुपीज, और रेट है रुपी पर डीजी, जो अपन क्रॉस रेट से निकालने वाले, जो अपन क्रॉस रेट से निकालेंगे वो रहेगा रुपी पर डीजी, और हम डीलर से 2,50,000 डीजी ले रहे हैं ताकि हम आगे पे करें। बोलो, या ऐसा बोलो डीलर अपने बिहाफ पर आगे डीजी दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डीलर हमें डीजी दे रहा है, हमारे बिहाफ पे दे रहा है, मतलब हमें दे रहा है, तो डीलर डीजी सेल कर रहा है, बिल्कुल सही है। यहां पर लगेगा सेल रेट, नीचे लिखते हैं सिंस डीलर इज सेलिंग डीजी 2.5 लाख्स, वी यूज सेल रेट, सिंस डीलर इज सेलिंग डीजी 2,50,000 वी यूज सेल रेट, वी यूज सेल रेट। तो अभी अपने को सेल रेट चाहिए, तो रुपी पर डीजी सेल रेट इज इक्वल टू, फर्स्ट फ्लो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपी टू डॉलर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका कौन सा रेट लेंगे वो डिपेंड करता है, देखते हैं रेट क्या दिया है। सेकंड सेकंड रेट कौन सा लेंगे अपन, डॉलर टू पाउंड लेंगे, और वो कौन सा लेंगे उस वो डिपेंड करता है दिया क्या है। एंड थर्ड रेट अपने को चाहिए पाउंड टू डीजी, पाउंड टू डीजी वो भी कौन सा रेट लेंगे वो डिपेंड करता है क्या दिया है। चलिए फ्लो देखिए, अभी रुपी टू डॉलर दिया है क्या, नहीं डॉलर टू रुपी दिया है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, बिड रेट लेना पड़ेगा कि ऑफर रेट लेना पड़ेगा आपको। बोलिए इस केस में कौन सा रेट यूज करेंगे, रुपी टू डॉलर रेट चाहिए आपको। बिड रेट यूज करेंगे, वेरी गुड, तो यहां पर अपन बोलेंगे बिड रेट, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर डॉलर टू पाउंड चाहिए अपने को, इधर डॉलर टू पाउंड ही दिया हुआ है, तो ये कौन सा रेट यूज करेंगे अपन लोग, सेल रेट यूज करेंगे, वेरी गुड। एंड लास्ट जो है वो पाउंड टू डीजी चाहिए अपने को, और यहां पर डीजी टू पाउंड है, तो वापस से अपने को इन्वर्स करके यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा रेट यूज करेंगे, बिड रेट यूज करेंगे, बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो फिर इस बेसिस पर आगे बढ़ेंगे, यहां पर पहला जो रेट लेंगे वो लेंगे 100 डिवाइडेड बाय बिड रेट, 100 डिवाइडेड बाय बिड रेट कितना है, 3.10, 100 डिवाइड बाय 3.10 विल गिव यू योर नंबर, क्योंकि आप इनवर्स कर रहे हो उसे, सॉरी 3.10 नहीं, 3.10 नहीं, अपने को बिड रेट यूज करना है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 3.15, 100 डिवाइड बाय 3.15, ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी, आप बोल रहे हो आपको सेल रेट यूज करना है, मतलब 60 वाला, तो कैसे पढ़ते हैं इसको, ये ऐसा अजीब कैसे दिया है, 1.7250/60, ये क्या है, 1.7250 इज बिड रेट, 1.7260 इज ऑफर रेट, समझा कि नहीं, तो अपने को 1.7260 यूज करना है उधर, और लास्ट केस में वापस से आपको बिड रेट यूज करना था, तो 1/3.9575 करना पड़ेगा ऊपर वाले केस में, मगर 1 डिवाइड बाय नहीं कर रहे अपन, 100 डिवाइड बाय कर रहे, ये जो 3.15 है
ये 100 डिवाइड बाय 3.15 रहेगा, नीचे वाला जाएगा वो रहेगा 1 डिवाइड बाय 3.9575, क्योंकि वो नॉर्मल रेट है और यहाँ का थोड़ा अबनॉर्मल रेट था जिसके लिए अपन ने नोट लिखा। चलिए सॉल्व करें। रुपी पर डीजी सेल रेट निकाल रहे अपन लोग, वो जो 100 रुपीज पर डॉलर है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है यार। 100 रुपीज पर डॉलर जो है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक बार एक काम करो, उसको 100 रुपीज पर डॉलर जो है उसको नॉर्मल बनाओ। पहले क्या करना है, नॉर्मल बनाने मतलब क्या करना है, 100 डिवाइड बाय 3.15 कहीं पर रफ में करेंगे अपन, 100 डिवाइड बाय 3.15 इज इक्वल टू क्या आता है देखो, 100 डिवाइड बाय 3.10, ये क्या आता है देखो, इसमें से जो कम रहेगा वो बिड रेट रहेगा, जो ज्यादा रहेगा वो ऑफर रेट रहेगा, ठीक है। और वो जो जो भी आ रहा है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे यहाँ पे क्या लेना है। तो 100 डिवाइड बाय 3.15 31.75, ठीक है, या 4 डेसिमल लेंगे अपन तो 7460, एंड 100 डिवाइड बाय 3.10 इज 32.2581। ये आपका दोनों का रेट आ गया। अब इन दोनों में से जो कम रहेगा वो बिड रहता है और जो ज़्यादा रहता है वो सेल रेट रहता है। इन दोनों में से जो कम रहता है वो बिड रहता है और जो ज़्यादा रहता है वो सेल रेट रहता है। तो बाय डिफॉल्ट रुपीज पर यूएसडी है वो, अपन ने यहाँ पे क्या लिया, रुपी पर यूएसडी लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी अपन ने रुपी पर यूएसडी लिया हुआ है और अपने फ्लो में भी रुपी पर यूएसडी है, तो ये सेल रेट होना चाहिए था क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ना, अपना फ्लो जो है वो रुपी पर यूएसडी है, रुपी पर यूएसडी अपना फ्लो, भले वो रुपीज 100 पर यूएसडी होगा, रुपीज 100 नॉट पर यूएसडी, एक्चुअली 3.15 यूएसडी, तो ये आ गया रुपी पर यूएसडी। क्वेश्चन में डॉलर पर रुपी है ही है, क्वेश्चन में डॉलर पर रुपी है, बट अपन ने उस रुपी को, आई नो क्वेश्चन में डॉलर पर रुपी, 2 मिनट के लिए सोचो, प्लेन माइंड से सोचो, डॉलर पर रुपी है, अपन ने ये डॉलर 3.15 को पर 100 रुपीज बनाया, इसको भी डॉलर 3.10 को पर 100 रुपीज बनाया, और उसको फ्लो के अनुसार अपने को जैसा फ्लो चाहिए वैसा लिया, ठीक है, अपने को जैसे फ्लो चाहिए वैसा लिया, तो अपन एक्चुअली इसको इन्वर्स ले रहे, इसका मतलब अपन इसको इन्वर्स ले रहे इसका मतलब, ठीक है। 1 मिनट के लिए सोचते हैं, डॉलर पर 100 रुपीज वो क्या हो रहा है ना, पर 100 की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ध्यान से देखो, 3.15 डॉलर पर 100 रुपीज, 3.10 डॉलर पर 100 रुपीज है। एक काम कर रहे हैं अपन लोग, मेरे वर्किंग में क्या किया, मैंने इसको रुपीज 100 पर डॉलर बना दिए, ये जो बना है ये रुपीज 31.7460 पर डॉलर है। अब जो रेट आ गया है ये
2 मिनट के लिए सोचते हैं ये क्या है, तो ये रुपीज 2100 पर डॉलर रेट हो गया ना, डू यू अग्री? अब जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, सपोज ये इसको मैं 100 डिवाइड बाई यूज करने ही नहीं वाला, 2 मिनट के लिए सोचते क्या करना है, अपन डिसाइड कर रहे हैं। तो अपन ने उस रेट्स को पहले ऐसे कन्वर्ट अगर कर दिया, सो वी गेट 31.7460 पर डॉलर एज आवर बिड रेट, एंड अगेन वी गेट रुपीज 32.2581 पर डॉलर एज आवर सेल रेट। डू यू अग्री? 2 मिनट के लिए क्वेश्चन में जो था अपन ने अपने हिसाब से किया, सोचो। तो अपन ने क्या किया, अपन ने रुपीज टू डॉलर बनाया, पहले रुपीज पर डॉलर बनाया अपन ने। अब रुपीज पर डॉलर अगर अपन ने इस तरीके से बना दिया तो कैन वी यूज दिस डायरेक्टली? वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली 100 डिवाइड बाई यूज कर रहे, तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। तो मैंने क्या किया, 100 डिवाइड बाई 3.15 है ना, 100 रुपीज डिवाइड बाई 3.15 डॉलर है ना, तो उसको सॉल्व किया तो पर डॉलर रेट आ गया मेरा। पर डॉलर मेरा ये रेट बिड रेट आ रहा है क्योंकि वो रेट कम है, और ये रेट मेरा सेल रेट आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा रेट है। अब मेरा फ्लो मेंटेन्ड है जैसे मुझे चाहिए, रुपीज पर डॉलर वाला फ्लो आ गया मेरा। अब मैं इसमें से डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा रेट यूज करना चाहिए, बिड रेट यूज करूं या ऑफर रेट यूज करूं। मेरा फ्लो मैंने मैच किया पहले मेरे रिक्वायर्ड फ्लो से, रुपीज पर डॉलर चाहिए था, मैंने रुपीज पर डॉलर बना दिया। अब आप बोलो कि इनमें से मैंने कौन सा रेट यूज करना चाहिए, अगर हमें यहां पर सेल रेट चाहिए तो। ये फ्लो चाहिए था, ये फ्लो ला लिया, तो अब कौन सा रेट यूज होगा, सेल रेट यूज होगा। तो इधर का सेल रेट यूज करना है, मतलब कौन सा रेट यूज करना है बोलो, 32.2581 यूज करना पड़ेगा, 32.2581 विदाउट 1 डिवाइड बाय, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी उसको सॉल्व करके आंसर निकाला है, अपन ने उसको ऑलरेडी सॉल्व करके आंसर निकाला है। अब ये रेट इस्तेमाल करेंगे, इनटू करेंगे, दूसरा रेट क्या है, डॉलर टू पाउंड सेल रेट। डॉलर टू पाउंड का सेल रेट कितना है आपका, 1.7260, 1.7260 जिसको अपन ने अंडरलाइन किया इधर, 1.7260 ये यूज होगा ऑफर रेट, और वापस इधर अंडरलाइन किया ये यूज होगा, ठीक है? बट ऑब्वियसली उधर का यूज करते हो इनवर्स करके यूज करना पड़ सकता है, ये नॉर्मल है। तो इनटू 1.7260 एंड इनटू, अब ये अपने को बिड यूज करना पड़ रहा है तो 1 डिवाइड बाय करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्टली 3.9575 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3.9575। फर्स्ट केस में सर ऐसे क्यों नहीं किया आपने, 1 डिवाइड बाय या 100 डिवाइड बाय, वैसा नहीं है ये, एवरी 1 रुपी मतलब वो बाय डि मतलब एवरी वन मतलब जो रेट दिया था ये अपन ने 1 डिवाइड बाय किया, मतलब इनवर्स किया, क्योंकि ये डीजी पर पाउंड का रेट था, डीजी पर पाउंड का रेट था, वैसे ही वहां पर डॉलर पर 100 रुपीज था, वो पर रुपी नहीं था, पर रुपी रहता तो आप डिवाइड कर लेते तो आपका डेफिनेटली आंसर जो नॉर्मल आता वो आता, ये पर 100 रुपीज होने की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ पर 100 वगैरह रहेगा तो अपन जैसे सॉल्व किया अभी वैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पहले उसे पर रुपी बनाओ या पर डॉलर बनाओ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने पर डॉलर बनाया, मेरा रिक्वायरमेंट रुपी पर डॉलर था, तो मैंने पर डॉलर बनाया उसे पहले और फिर बाद में उसे नॉर्मल यूज किया। सो गाइस इसका आपका रेट आता है 1 रुपी पर डीजी, सेल रेट इज इक्वल टू कितना आता है, 32.2581 डिवाइड बाय सॉरी इनटू 1.7260 डिवाइड बाय 3.9575। आपका आंसर आ रहा है 14.0689, बिल्कुल सही है, ये आपका रेट आ गया।
ये वर्किंग लिखो आप। लिखा आपने ये वाला वर्किंग लिखा उसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ हमें बैंक ये रेट चार्ज करना चाहिए था, बट बैंक बोलेगा भाई तुम इंटरबैंक थोड़ा ना, तुम तो कस्टमर हो, तो तुमको हम चार्ज करेंगे प्लस कमीशन आल्सो, प्लस कमीशन आल्सो। तो यहां पर हम बोलेंगे एड मार्जिन, एट द रेट 0.125%, उतना ही है ना, चेक करो एक बार। यस 0.125%। तो इस पर 0.125% अगर मैं लू तो ये ऐड हो जाएगा 0.01759। तो फाइनल रेट आएगा 14.0864, 14.0864। देयरफॉर इट इज रुपीज 14.0864 पर डीजी। अगर ये 27 दिसंबर को ट्रांजैक्शन होता तो इस रेट से होता, 27 दिसंबर को अगर ये ट्रांजैक्शन होता तो इस रेट से होता। अब अपन सेम कैलकुलेशन करेंगे फॉर 3 जनवरी, क्योंकि बैंक के स्ट्राइक की वजह से ये पोजीशन शिफ्ट हो चुका था 3 जनवरी 2024 पर। तो अपन देखेंगे 3 जनवरी 2024 को ये सेम चीज कर कर क्या रेट आता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पोजीशन ऑन थर्ड जैन 2024, उस दिन स्ट्राइक खत्म हुआ, अपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट उस दिन हुआ है। ठीक है, फ्लो वापस से वही आएगा दोस्तों। फ्लो वापस से वही आएगा, फ्लो में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इधर वापस केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। यहां पर अगर मैं देखूं तो इन्होंने बोला है 3.12 एंड 3.07, 3.12, 3.17, 07 सॉरी, यस 3.07। तो 100 डिवाइड बाय 3.12 करेंगे तो ये आता है रुपीज 32.0513, और 100 डिवाइडेड बाय 3.07 करेंगे तो आंसर आता है 32.5733। तो देखो बराबर सेल रेट आपका ज्यादा आया है और बाय रेट आपका कम आया है, सेल रेट आपका ज्यादा आया है, बाय रेट आपका कम आया है। आपको ऑफकोर्स यूज करना पड़ेगा आपका सेल रेट, देयरफॉर रुपी पर डीजी इज इक्वल टू, सेल रेट इज इक्वल टू, सेल रेट का सेल रेट ही क्यों यूज कर रहे हैं सर अपन, बिकॉज 27 दिसंबर को ट्रांजैक्शन या 3 जनवरी को ट्रांजैक्शन का फ्लो तो सेम ही रहेगा, ट्रांजैक्शन का फ्लो तो सेम ही रहेगा, तो उधर अगर सेल रेट यूज कर रहे तो इधर भी सेल रेट ही यूज होगा। इज इक्वल टू 32.5733 इंटू
आपका डॉलर टू पाउंड का रेट देखो, सेल रेट, डॉलर टू पाउंड का सेल रेट ये रहा 1.7185, एंड वापस से बिड रेट यूज करना है तो ये होगा 3.9380, ऑब्वियसली इनवर्स करके, तो 1.7185। वन पॉइंट सेवन वन एट फाइव इंटू वन डिवाइडेड बाय, इनवर्स करके यूज करना था आपको 3.9380। समझ में आया क्या पूरा कैलकुलेशन? सेम पोजीशन कर रहे हैं अपन, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ फिगर्स चेंज कर रहे हैं, बाकी फ्लो पूरा सेम है। समझ में आया अच्छे से? इसमें भी आपका मार्जिन ऐड होगा, करेक्ट, क्योंकि वो 3 जनवरी को हुआ तो भी बैंक बोलेगा हमारा कमीशन, हमारा एक्सचेंज मार्जिन। यस, तो इसका आंसर कितना आता है? आपका रेट आता है यहां पर 14.2146, इस पर 0.125%। योर मार्जिन कम्स टू 0.0178, एड इज इक्वल टू 14.2324। देयरफॉर रुपीज 14.2324 पर डीजी, ये रेट लगेगा आपको 3 जनवरी को। जबकि अगर ये ट्रांजैक्शन हमारे डेट पर होता, 27 दिसंबर को, जब अपन ने बैंक को बोला था तब होता था, तो रेट लगता था आपको 14.0864, ये रेट लगता था आपका। रेट इस रेट से शिफ्ट होकर इस रेट पर आया है, आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? यू वॉन्टेड टू रेमिट डीजी 2,50,000 पर डीजी, आपको ज्यादा रेट लग रहा है इधर पर डीजी, आपको वहां पर कम रेट लग रहा है, आपको डीजी पे करना था। पहले तो सोचने का कि ये डीजी की वजह से, मैं पहले तो ये सोचने का कि डीजी पे करना है, 2,50,000 डीजी पे करना है आपको, बराबर 2,50,000 डीजी आपको पे करना है, ठीक है? आपका रेट पर डीजी है, बोलो मैच हुआ डिड मैच हुआ, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, पहले सोचो। आपको 2,50,000 डीजी पे करना है और ये रेट पर डीजी है, तो मैच हो गया, मैच हो गया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट आंसर तो कम आने वाला है, बट एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा, तो अपना लॉस हो रहा है, अपने को पर डीजी ज्यादा देना पड़ रहा है। समझ में आया? तो अपन बोलेंगे वी वॉन्ट टू पे डीजी 2,50,000, देयरफॉर लॉस टू कस्टमर, मतलब लॉस टू अस, लॉस टू कस्टमर। अब यहां पर भी वी जब अपन बोल रहे तो अपन कौन है? कस्टमर है, और यहां पर भी लॉस टू कस्टमर मतलब वी, लॉस टू अस इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू
रेट अप्लाई होगा 2, 14.2324 माइनस रेट अप्लाई होना चाहिए था 14.0864। आपका लॉस ₹36,500 का है। आपका लॉस है 36,500 का, ₹36,500 का आपका लॉस है। समझ में आया? रुपीस पर डीजी का रेट निकाला आपने, इसका मतलब ये सब कैलकुलेशन रुपीस में हो रहा है अभी। तो इतने डच लीडर के लिए रेट लगना चाहिए था अपने को 14.0864, लग रहा है अपने को 14.2324। तो अपन पर डीजी इतना एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा रुपीस दे रहे हैं, तो अपन ने उस एक्स्ट्रा रुपीस को मल्टीप्लाई किया क्वांटम ऑफ डीजी के साथ, तो टोटल लॉस अपने को रुपीज में समझा 36,500 का लॉस हो रहा है। समझ में आया? मजा आया? चलिए बढ़िया है। तो आपके होमवर्क बताइए, मैंने क्या क्या होमवर्क आपको मार्क करा है, आपको ओवरऑल आज क्या क्या होमवर्क है वो देख लेते एक बार। 20, 23, 25, 20, 23 and 25 ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। ये आपका होमवर्क रहेगा आपका आज के लिए, पक्के से ये होमवर्क करना। और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।